Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 7, Securing Fingerprint Template Fuzzy Fault with Minutia Descriptors. First of all, today's topic are Introduction, Helper Data Extraction, Fuzzy Vault Encoder, Securing Ordinate Values, Authentication, Experimental Result and Security Analysis. Before going to this, we are just discuss what is Fuzzy Vault. So Fuzzy Vault has been shown to be an effective technique for securing fingerprint minutia template. Its security depends upon difficulty in identifying the set of genuine minutia points along a mixture of genuine and calf points and reconstructing the same secure polynomial using the evaluation available for each point in the vault. So the author shows the security of Fuzzy Vault can be improved by encrypting these polynomial evaluation using a Fuzzy commitment scheme. So in our fingerprint crypto system, helper data extraction consists of two main steps. The Fuzzy Vault framework described in the first used to be secure the minutia location and direction. So the ordinate value of the vault are further secured using the minutia description through or the Fuzzy commitment approach. सो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक फिगर रिप्रेजेंट किया है. वी शो द सिक्योरिटी ऑफ द Fuzzy Vault कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इनक्रिप्टिंग दिस पॉलिनोमियल इवेल्यूएशन यूजिंग Fuzzy कमिटमेंट स्कीमा. सो देखिए हमारे पास क्या है, टेम्पलेट मैन्यूटिया, मैन्यूटिया लोकेशन, मैन्यूटिया की कौन सी लोकेशन है, Fuzzy Vault एनकोडर, जहाँ पे लोकेशन होगी वहाँ पे हमारे पास Fuzzy Vault एनकोडर लगा दिया. बेसिकली हम लोगों ने ये क्यों लगाया है, हमने सिक्योरिटी पर्पस से लगाया है. फिर हम लोग उसका एब्सिसा वैल्यू देखते हैं, कहाँ इतना एब्सिसा में कितना है, कोऑर्डिनेट क्या है उसको अलोंग हम उसकी जो कोडिंग और पैटर्न डिसाइड करते हैं. सो द एनक्रिप्शन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एन एडवर्सी टू डिकोड द वॉल्ट इवन इफ द करेक्ट सेट ऑफ मैन्यूटिया इज सेलेक्टेड. वी यूज मैन्यूटिया डिस्क्रिप्टर, हम लोग यूज करते हैं मैन्यूटिया डिस्क्रिप्टर को, विच कैप्चर ओरिएंटेशन एंड रिजिड फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन इन अ मैन्यूटिया नेबरहुड फॉर सिक्योरिंग द पॉलिनोमियल इवेल्यूएशंस. द मॉडिफिकेशन लीड्स टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बोथ द सिक्योरिटी एंड मैचिंग द एक्यूरेसी ऑफ द वॉल्ट. सो बेसिकली हमारे पास जब हमने सिक्योरिटी को मैचअप करना है तो हम इसको यूज करते हैं. सो देखिए हम लोगों ने क्या करना है इसमें, द इशू ऑफ द बायोमेट्रिक टेम्पलेट सिक्योरिटी इज गेनिंग इम्पोर्टेंट ड्यू टू द कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल मिस यूज ऑफ स्टोलन टेम्पलेट. देखिए जो हम लोगों ने मैन्यूटिया के टेम्पलेट बनाए हैं वो स्टोल नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट जो रहता है हमारे पास यूनिक रहता है. उसी के लिए हमारे पास क्या आया, मैन्यूटिया कि हम लोगों ने जो टेम्पलेट थी उसकी सिक्योरिटी बनाने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर ये टॉपिक को इंक्लूड किया गया. देयर द टू मेजर कंसर्न रिगार्डिंग द स्टोलन बायोमेट्रिक टेम्पलेट, स्पूफिंग एंड प्राइवेसी. सो इन एडवर्सी इज एबल टू एक्सेस द स्टोर टेम्पलेट, इट कैन क्रिएट अ स्पूफ बायोमेट्रिक, ग्रूमी बायोमेट्रिक को बना लेता है. जो हमारे पास प्रेजेंट हमारे बायोमेट्रिक के अंदर टेम्पलेट है वैसा ही कुछ टेम्पलेट को वो बना के रख लेता है. सो हम लोगों को उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों ने पर्टिकुलर इस जो हमारा टॉपिक है उसको हमारे यहाँ पे इंक्लूड किया गया. सो इसमें पर्टिकुलर क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग वॉल्ट एनकोडिंग 16x7 बिट की के इज अपेंडेड विद 16 बिट साइक्लिक रिटर्डेंसी चेक. तो हम लोगों ने क्या करना है, ड्यूरिंग वॉल्ट एनकोडिंग अ 16x17 की K is appended with 16 bit cycle redundancy check के साथ हम उसको embed कर देते हैं code and divide into n plus 1 blocks of 16 bit each.
देखिए सिक्योरिटी पर्पज़ के साथ हमने क्या किया, ड्यूरिंग फॉल्ट एनकोडिंग जब हम लोग उसकी एनकोडिंग करने लगते हैं तो 16x7 n bit की को हम लोगों ने एक्स्ट्रा एम्बेड कर दिया है, ताकि जो हम उसको कॉपिंग है और जो भी हमारे पास सिक्योरिटी है वो मोस्ट सिक्योर हो सके, जो उसका फेलियर है वो कम हो सके और जो कैप्चर है वो इजीली रह सके। सो वो सारे एक पर्पज़ को हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखा है। दीज एन प्लस वन वैल्यूज सर्व एज अ कोफिशियंट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ डिग्री एन इन ए गैल्वस फील्ड द टेम्पलेट मैनिटुआ आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी एंड ओनली वेल सेपरेटेड मैनिटुआ आर सेलेक्टेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वॉल्ट। अभी देखिए जो हमारे पास जो हमारे पास मैनिटुआ होता है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग, एक हमारे पास टेम्पलेट बनाने के लिए। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सेटअप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अपनी सेटअप पॉइंट। नाउ इफ द डिजायर नंबर ऑफ मैनुटिया कैन नॉट बी ऑब्टेन वी काउंट इट एज अ फेलियर ऑफ कैप्चर एरर, वो हमारे पास एनकाउंटर नहीं होते हैं जो हमारे पास डिजायर नंबर ऑफ एलिमेंट थे मैनुटिया के, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो कैप्चर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, फेलियर हो चुका है। द मैनुटिया एक्स आई वेयर आई गोज 1 to r अलोंग विद द कोरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इवेल्यूएशन से एक्स आई इज इक्वल टू 1 to r आर स्टोर इन द वॉल्ट वी अ सेट ऑफ एस क्राफ्ट पॉइंट। अब हमारे पास क्या होंगे, एक सेट ऑफ पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे वाई जे एंड जेड जे वेयर जे गोज 1 to s इज जनरेटिंग रैंडमली सच डैट वाई जे 6 इज इक्वल टू एक्स आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to r J is equal to 1 to S and ZJ is equal to FYJ for all J goes to 1 to S. The Kraft point set is added to the fault V which can now be represented as V is equal to AB. देखिए हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास वोल्ट था उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया V is equal to S AB where A एंड बी आर द सेट ऑफ ए एस आर प्लस एस, जो मेरे पास ए और बी है वो मेरे पास आर प्लस एस का सेट है, जो मेरे पास आर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे पास, और जो मेरे पास एस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मेरे पास डिजायर नंबर ऑफ मैनुटिया है डेट इज इक्वल टू आर, जो मेरे पास डिजायर नंबर ऑफ मैनुटिया रहेगा हमने उसको आर से रिप्रेजेंट किया, और हम लोगों ने एस क्या लिया है यहाँ पे, एस क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास पर्टिकुलर जो अब सेट आया है द क्राफ्ट पॉइंट सेट उसको हम लोगों ने एस से रिप्रेजेंट किया। सो उसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका पॉइंट विद द हाईएस्ट डिजिट कर्वेचर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फिंगर पॉइंट एंड स्टोर्ड अलोंग विद द वोल्ट टू बी यूज्ड फॉर द अलाइनमेंट ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन। तो हम उसमें से क्या करेंगे, पॉइंट्स विद द हाई डिजिट कर्वेचर, ऐसा पॉइंट जहाँ पे कर्वेचर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फिंगर पॉइंट, वो फिंगर पॉइंट से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस में और फिर उसको ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिंग ऑर्डिनेट वैल्यूज। सो द सिक्योरिटी ऑफ द वॉल्ट डिस्क्राइब डिपेंड्स only on the difficulty in identifying the genuine point in a set A। देखिए हमारे पास क्या था, the security of the fault described, हम लोगों ने जो अभी तक fault describe किया था उसकी जो maybe security थी that only depends upon the difficulty in identifying the genuine point, वो उससे कैसे हो सकती थी, जितना difficult एक genuine point को identify करना है उतनी betterness आती रहती थी। Once n plus one genuine point are identified लैंग्राज इंटरपोलेशन कैन बी यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द पोलिनोमियल, फिर हम लोग लैंग्रेज इंटरपोटेशन थ्योरम होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल को दोबारा से हम लोग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हाउ एवर इफ द ऑर्डिनेट वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट इन द वर्ल्ड आर एनक्रिप्टिड एन एडवर्सी विल not be able to reconstruct the polynomial even if he correctly guesses and genuine point from the vault।
अब ये कहता है इफ द ऑर्डिनेट वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट इन द वोल्ट आर इनक्रिप्टेड। अब हम लोग द ऑर्डिनेट वैल्यू जो है हम उसको इनक्रिप्ट कर जाते हैं तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इवन हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे, इवन वो ठीक भी होगा तो हम उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। सो वी मिस मैन्यूटिया डिस्क्रिप्ट इन ऑर्डर टू इनक्रिप्ट द ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ मैन्यूटिया डिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ फ्रिजिट ऑर्डिनेशन एंड द फ्रिक्वेंसी एट 76 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। जो मेरे पास मैन्यूटिया डिस्क्रिप्शन होता है, जो रिजिड डिस्क्रिप्शन है, वो क्या करता है, मेरे पास 4 रिजिड ओरिएंटेशन और 76 रिजिड डिस्क्रिप्शन को लेके चलता है। सो ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन फर्स्ट द टेम्पलेट एंड द क्वेरी फिंगरप्रिंट आर अलाइन ड्यूरिंग द हाई कर्वेचर पॉइंट एज डिस्क्राइब, देन आर वेल सेपरेटेड अलोंग एंड गुड क्वालिटी मैन्यूटिया आर सेलेक्टेड फ्रॉम द क्वेरी एंड मैस्ड विद द पॉइंट इन द वोल्ट इन ऑर्डर टू फिल्टर आउट मोस्ट द क्राफ्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज माई ऑथेंटिकेशन। सो बेसिकली ऑथेंटिकेशन क्या होता है, वट इज रेफर्स। सो ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन फर्स्ट द टेम्पलेट एंड द क्वेरी फिंगरप्रिंट आर अलाइन यूजिंग द हाई कर्वेचर पॉइंट। हम इसको अलाइन करते हैं यूजिंग हाई कर्वेचर पॉइंट को, देन आर वेल सेपरेटेड एंड द गुड क्वालिटी मैन्यूटिया आर सिलेक्टेड फ्रॉम द क्वेरी। जब फिर हमारे पास जो बेस्ट क्वालिटी मैन्यूटिया होता है वो क्वेरी से सिलेक्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर उसके अंदर से रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सोर ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। सो एन एक्सोर ऑपरेशन इज अप्लाइड बिटवीन द डिस्क्रिप्टर। तो एक डिस्क्रिप्टर के साथ हम लोग एक्सोर ऑपरेशन लगाते हैं, से डी एसोसिएटेड विद ई सिलेक्टेड क्वेरी मैन्यूटिया एंड द कोरस्पॉन्डिंग सिक्योर ऑर्डिनेट वैल्यू टू ऑप्टेन अ वर्ड सी। एक गुड अवर्ड को ऑप्टेन करने के लिए हम उसमें क्वेरी लगाते हैं, द वर्ड इज देन डिकोडेड टू ऑप्टेन द मैसेज। फिर जो वर्ड निकल के आता है हम उसको डिकोड करते हैं टू ऑप्टेन अ मैसेज, मैसेज को ऑप्टेन करने के लिए। दिस वर्ड इज देन डिकोड टू ऑप्टेन द मैसेज, उस वर्ड से हम लोग मैसेज को ऑप्टेन करते हैं। विच रिप्रेजेंट द ऑर्डिनेट वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैन्यूटिया, वो रिप्रेजेंट करती है मैन्यूटिया के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट वैल्यू को, इट मीन्स उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है। इफ द ऑर्डिनेट वैल्यू इज करेक्टली डिकोड फॉर सम मिनिमम नंबर एन प्लस वन ऑफ द जेन्युइन पॉइंट इन द वर्ल्ड, देन द पॉलीनोमियल एफ कैन बी करेक्टली रिकंस्ट्रक्टेड इंडिकेटिंग अ सक्सेसफुल मैच। नेक्स्ट इज अवर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट किया, वी यूज एफ वी सी 2002 DB2 टू कंपेयर द फिजी वर्ल्ड परफॉर्मेंस विद एंड विदाउट मैन्यूटिया डिस्क्रिप्शन, एज ओनली द फर्स्ट टू इम्प्रेशन ऑफ 100 डिफरेंट फिंगर्स आर यूज इन द एक्सपेरिमेंट, वन एज अ टेम्पलेट एंड अदर एज क्वेरी। हम लोगों ने क्या किया, ओनली द फर्स्ट टू इम्प्रेशन ऑफ 100 डिफरेंट फिंगर्स, 100 डिफरेंट फिंगर्स से हम लोगों ने सिर्फ 2 फिंगर्स को यूज किया टू मेकिंग अ टेम्पलेट, एक टेम्पलेट बनाने के लिए, वन एज अ टेम्पलेट एंड अनदर एज ए क्वेरी, एक को टेम्पलेट के लिए अनदर को क्वेरी के लिए। देन बी सी एच 51119 एरर करेक्टिंग स्कीमा इज यूज इन अवर इम्प्लीमेंटेशन फॉर एनकोडिंग द ऑर्डिनेट वैल्यू सच एज करेक्ट अप टू 199 एरर्स। तो हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे बी सी एफ एरर डिटेक्टिंग स्कीमा। उसके बाद द ऑर्डिनेट वैल्यूज विच कैन बी करेक्ट अप टू 199 एरर्स, जो हमारे पास ऑर्डिनेट वैल्यू थी उसको हम लोग 199 एरर के साथ करेक्ट कर सकते थे, शोज दैट जी ए आर एंड एफ ए आर कोरस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिनल फिजी वॉल्ट इम्प्लीमेंटेड इन विदाउट डिस्क्रिप्टर एंड द प्रोसेस्ड क्रिप्टो सिस्टम एफ टी सी आर इज बोथ केसेज इज 2%। दोनों केसेस के अंदर जो मेरे पास एफ टी सी आर की वैल्यू आई डेट इज इक्वल टू 2%। वी ऑब्जर्व डैट वी यूज अ मैन्यूटिया डिस्क्रिप्टर रिड्यूस द एफ ए आर ऑफ अ सिस्टम सफिशेंटली वाइल जी ए आर रिमेन्स नियरली द सेम।
जो मेरे पास जी आर रहता है वो सेम रहता है, जो एफ ए आर होता है वो कंटिन्यूसली मेरे पास रिड्यूस हो रहा है। फॉर इंस्टेंस हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, वेन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 6, जब मेरे पास पोलिनोमियल की डिग्री 6 थी, देन द जी आर इज 95% ऑफ बोथ द सीनोरियोज, जो मेरे पास जी आर था वो 95% था इन बोथ द सीनेरियो। हाउएवर द एफ ए आर इज रिड्यूस टू 0.7% टू 0.11%, जो मेरे पास एफ ए आर था 0.7% से लेके 0.07% तक आ गया है। नेक्स्ट इज अवर सिस्टम एनालिसिंग। सो द मीन एंट्रोपी ऑफ द मैन्यूटिया टेम्पलेट एम टी इज गिवन बाय द वोल्ट वी कैन बी कंप्यूटेड एज इफ बोथ द मैन्यूटिया लोकेशन एंड द मैन्यूटिया ओरिएंटेशन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हेयर एन आर एंड एस हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अर्लियर, जहाँ पर मेरे पास एन और एस का मीनिंग सेम रहेगा जैसे हमने अर्लियर में डिफाइन किया। द फिजी वॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन यूजेज द वैल्यूज ऑफ आर इज इक्वल टू 24, एस इज इक्वल टू 200, एन इज इक्वल टू 8 फॉर अ टिपिकल वॉल्ट कंस्ट्रक्शन। बेस्ड अपॉन द अबव एनालिसिस द सिक्योरिटी ऑफ द फिंगरप्रिंट फिजी वॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन इन इज अप्रोक्सीमेटली 31 bits, जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, हमारे पास 31 बिट्स के इक्वल हो जाएगा। हम उसको कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल एट द वेरी बिगनिंग, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फिजी वॉल्ट एनकोडर, हम लोग फिजी वॉल्ट एनकोडर से हमारे पास क्या हुआ। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिंग ऑर्डिनेट वैल्यू, नाउ वी कैन से द कंक्लूजन इज we have shown that both the performance and the security of a fingerprint fuzzy vault can be improved by incorporating minutia descriptor, the descriptor consisting of rigid frequency, jo hamare paas descriptor hota hai wo rigid jo hamare paas frequency ko consist karta hai, rigid orientation information in a minutia neighborhood help as encrypt the ordinate value of the polynomial during the वोल्ट कंस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंट, वैल्यूज रिजल्ट ऑन अ पब्लिक डोमेन डेटाबेस, जिससे हमारे पास जो पब्लिक डोमेन डेटाबेस होता है वो बहुत ईजिली सिक्योर हो जाता है। वी विल वाइंड अप आवर सेशन हेयर, वी लर्न, हैप्पी लर्न।